लद्दाख में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू। गलवान जैसी झड़प टालने के लिए अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी, एक दूसरे को सूचना भी देंगी। भारत और चीन के बीच चार दिन पहले हुए समझौते के बाद शुक्रवार को दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाना शुरू कर दिए हैं। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जाई जा रही है। समझौते के मुताबिक सेनाओं के पीछे हटने के बाद दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख के देपसांग और डेमचोक इलाकों में पेट्रोलिंग कर सकेंगी। यह पेट्रोलिंग 10 दिन बाद शुरू हो सकती है। इसके लिए दो शर्तें तय की गई हैं। दोनों देशों की सेनाएं इन इलाकों में अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी। दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे को पहले से इसकी सूचना देनी होगी। 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद से देपसांग और डेमचोक में तनाव बना हुआ था। करीब 4 साल बाद 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि इसका मकसद लद्दाख में गलवान जैसी झड़प रोकना और पहले जैसे हालात बनाना है। गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर अभी फैसला नहीं। समझौते में लद्दाख के देपसांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन डेमचोक के गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में गस को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। देपसांग, भारतीय सेना के मुताबिक सैनिक अब गश्त के लिए देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11 ए, 12 और 13 तक जा सकेंगे। डेमचोक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी गलवान घाटी, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स यानी PP-15 और PP-17 वफर जोन है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यहां पर गश्त को लेकर बाद में विचार होगा। वफर जोन यानी ऐसा इलाका जहां दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकती। ये जोन विपक्षी सेनाओं को अलग करते हैं।